सो हे दोस्तों, मैं रोहितराज हाजिर हूँ आपके लिए वेंकी मामा का रिव्यू लेके, जो हाल फिलहाल में भाई साहब डब कराई गई है, वो भी बीफोर मूवी के द्वारा, जिसका वर्ल्ड प्रीमियर हुआ है यानी कि जी सिनेमा पे आज ही रात को 8 बजे हुआ था, यानी कि मैं कह सकता हूँ कल, क्योंकि रिव्यू काफ़ी लेट हो चुका है, जिस वजह से भाई साहब आपको बताऊँ और ये फिल्म आपको कहाँ मिलने वाली है वो भी मैं आपको बताता ही चलूँगा। सबसे पहले बताऊँ भाई, एक तरीके से तेलुगु एक्शन कॉमेडी फिल्म है और साथ साथ आपको स्टारिंग इसमें नजर आने वाले वेंकटेश, साथ में नागा चित्या, पायल राजपूत, राशि, यानी कि ये आपको स्टारिंग में नजर आ जाएंगे। और फिल्म की जो स्टोरी है काफ़ी अच्छी है और काफ़ी बहुत ही बढ़िया है, तो उसी पर आ जाते हैं। देखो ज़्यादा स्पॉइलर नहीं फैलाते हैं, देखो स्टोरी पर आते हैं। स्टोरी क्या है, वैंग की है यानी कि मामा है भाई, उसका भांजा छोटा है और वो उसकी देखभाल करता है, उसे कैसे कैसे पालता है वो सीन दिखाई। अब भांजा हो चुका है बड़ा, तो भांजा और मामा क्या कर रहे हैं, दोनों के लिए भाई एक्सचेंज ऑफर, यानी कि एक तरीके से लड़की ढूंढ रहे हैं, वो मामा के लिए ढूंढ रहा है, वो भांजे के लिए ढूंढ रहा है। ये सीन चलिए, यानी कि फर्स्ट हाफ में आपको फुल ऑफ कॉमेडी मिलने वाली है, फुल ऑफ मजा मिलने वाला है, फुल ऑफ एंटरटेनमेंट से भरपूर मिलने वाला है। लेकिन सेकेंड हाफ में जो हुआ है वो थोड़ा सा आपको लगेगा अजीब, लेकिन इतना भी नहीं लगेगा जैसे मैं कह रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे, क्योंकि इसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है, 4.5 out of 5 में से, जी हाँ, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली है, तो ऐसे ही नहीं मिलेगी, यानी कि स्टोरी भी काफ़ी अच्छी है। देन उसके बाद यानी कि फर्स्ट हाफ तो आपका ऐसे ही कॉमेडी वगैरह इस चीज़ में एंटरटेनमेंट फुल्ली बीत जाएगा, लेकिन सेकेंड हाफ जब भाई BGM आता है ना एक्शन के साथ, क्योंकि एक्शन है उसमें, सेकंड हाफ आते ही एक्शन स्टार्ट होता है और वहाँ BGM बजता भाई काफ़ी कमाल कर देता, साथ में सिनेमोग्राफी पर कमाल किया गया, जो कि आप देखोगे सेकंड हाफ में आपको इसके नज़ारे भी नज़र आने वाले हैं, जी हाँ। और साथ में भाई देखो हीरोइनों ने भी अच्छा काम किया, हम कहेंगे नहीं कि पायल राजपूत की बात कर लें, काफ़ी अच्छा काम किया लड़की ने, और वेंकटेश की तो आप जानते हो भाई साहब, उनके तो दीवाने हैं यार वैसे तो। नागा चित्या ने भी अच्छा ही काम किया, हम नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा किया, लेकिन अच्छे लेवल पर हो सकता था, लेकिन आप नहीं बताओगे फिल्म के अंदर आपको कोई कमी लगेगी, लेकिन आप ऐसा तो कह ही सकते हो फिल्म देखने के बाद कि वन टाइम वॉच है, लेकिन यार मुझे नहीं लगता, तो आप जरूर कमेंट में बताइए कि वन टाइम वॉच है या नहीं। और सबसे पहले बताऊँ भाई आपको, देखो यूट्यूब पे तो ये देखने नहीं मिलने वाली, क्योंकि बीफोर मूवी ने इसे डब कराया और बहुत सारी मूवी पड़ी है, लेकिन कुछ नालायक बंदे मिल जाएंगे जो आपको यूट्यूब पर डाल देते हैं, ठीक है ना। तो भाई साहब जल्दी से कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब, अगर नया है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और मैं मिलता हूँ आपको इंस्टाग्राम पर, फॉलो किए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। जब तक के लिए बाय।